हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब वीडियो पर व्यूज कैसे बढ़ाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को इन तक वॉच कर लेते हो तो आसानी से मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो पर व्यूज ला सकते हो। सो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हुआ हो या नहीं हुआ हो, फिर भी आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, वही आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको जाननी यह जरूरी है कि जब भी आप अपना वीडियो अपलोड करते हो तो यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है, ये सेटिंग को आप क्लियर नहीं करते हो और आपकी वीडियो का जो रैंक होता है वो रैंक नहीं करती है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं यहाँ पे सेटिंग बताने वाला हूँ कि जो आप सेटिंग जो जब अपना वीडियो अपलोड करते हो वहाँ जो सेटिंग होती है वो आप सेटिंग सही से नहीं करते हो। तो यहाँ पे मैं आपको सेटिंग करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप इन सेटिंग को कर लेते हो तो आसानी से मैं बता रहा हूँ कि आप अपने वीडियो को व्यूज बढ़ा सकते हो। हो सकता है आपका वीडियो वायरल हो जाए इस वीडियो को वॉच करने के बाद। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। दोस्तों, अगर आपके वीडियो थोड़ा सा पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और ये कोने में आप देख सकते हो ये मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये यूट्यूब एप्लीकेशन ही है मेरा है। और यहाँ पर मैं वीडियो आपको ये अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, साथ में सेटिंग भी बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको करने के लिए आपको ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है बीच में, आपको इस पर क्लिक करनी है। चलिए मैं क्लिक कर रहता हूँ। अब आपके पास चार ऑप्शन आएगा, क्रिएट ए शॉर्ट, अपलोड ए वीडियो, गो लाइव, क्रिएट ए पोस्ट। तो आपको ये अपलोड ए वीडियो लिखा है तो आपको इस पर क्लिक कर देनी है, क्योंकि हम वीडियो अपलोड करेंगे। फिर इसके बाद जो आप वीडियो यहाँ पे अपलोड यानी कि वीडियो आप यहाँ पे इंपोर्ट किए हो, आपको इसे सेलेक्ट करनी है। अभी हमें इस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट यानी कि अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया है। सो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, वो सेटिंग आपको इम्पोर्टेंट है, वही आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटल लिखा है, टाइटल हम तभी लगाएंगे जब हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा ऐड डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन भी तभी लगाओगे जब वीडियो अपलोड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे अनलिस्ट लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है विजिबिलिटी, आपको ये ध्यान देने वाली बात है। आप इस पर क्लिक करोगे, सेट विजिबिलिटी के लिए दिया है। अगर आप यहाँ पर पब्लिक करोगे तो जैसे ही आपका वीडियो अपलोड होगा वो पब्लिक हो जाएगा। आप चाहोगे तो इसे सेट इंस्टेंट प्रीमियम कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो आने वाली है, आपके व्यूअर को पता चल जाएगा। उसके बाद आता है अनलिस्ट, ये वीडियो ये जो विजिबिलिटी यानी ये जो अपलोड करने का तरीका होता है ये होता है विजिबिलिटी में अनलिस्ट, ये बेस्ट होता है। यानी कि यहाँ पे लिखा एनी वन विथ द लिंक कैन व्यू। अगर आप इस पे अपलोड करोगे तो आपका वीडियो वही वॉच करेगा जिसको आप इस वीडियो का लिंक शेयर करोगे। फिर उसके बाद नीचे आता है प्राइवेट, आप चाहो तो प्राइवेट वीडियो कर सकते हो, इस वीडियो कोई नहीं देखेगा सिवाय आपके। फिर उसके बाद आपको आता है एक ये शेड्यूल, ओके आप चाहो तो शेड्यूल सेट कर सकते हो। जैसे कि आज आप देख सकते हो यहाँ पे आज 16 फरवरी, तो ये एक दिन अगले दिन का देता है, आप यहाँ पे इसे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा आपको यहाँ पे जो भी डेट है आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो आसानी से, आप देख सकते हो 16 फरवरी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से टाइमिंग भी यहाँ पर आप आसानी से लगा सकते हो, मैं भी टाइम नहीं अभी लगाऊँगा, और यहाँ पर आप बैक आ जाओगे। तो ये थी सेटिंग। और एक और यहाँ पे सेटिंग है जो कि यहाँ पे देख सकते हो लिखा है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। चलिए इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेलेक्ट ऑडियंस के लिए होता है। कोई जो नए नए यूट्यूबर होते हैं करते क्या है कि इनकी जो वीडियो होती है वो 18 एज से ऊपर के, लेकिन वो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं येस इट्स मेड फॉर किड्स, यानी कि ये बच्चों के लिए है। और ये नीचे सेट करोगे तो नो इट्स नॉट फॉर मेड किड्स, यानी कि ये बच्चों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लिखा है दिस वीडियो इज सेट टू नॉट मेड फॉर किड्स, यानी कि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ ये टेक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, यानी ये बच्चों के लिए नहीं है। ये हमेशा मैं नो इट्स नॉट फॉर किड्स करता हूँ, आपको भी यही सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है एज रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रिकेशन, आपको यहाँ पर इसे सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा है डू यू वॉन्ट टू रेस्ट्रिक्ट योर वीडियो टू एन एडल्ट ऑडियंस, क्या आपका ये वीडियो है ये एडल्ट ऑडियंस के लिए है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ये देख सकते हो येस रेस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर ओवर 18 नो, और दूसरा है डोंट रेस्ट्रिक्ट माई वीडियो व्यूअर ओवर 18, यानी कि मेरा वीडियो 18 के नीचे नहीं है, मेरा वीडियो हमेशा 18 आपको इम्पोर्टेंट करनी है, जो कि मैं यहाँ पे कर रखा हूँ। अगर आपका बच्चों का कंटेंट है तो आप यहाँ पे येस करोगे, बच्चों का कंटेंट नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे हमेशा करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे चाहोगे तो अपना लोकेशन यहाँ पे अपना लोकेशन लगा सकते हो, जैसे कि भी
मैं इंडिया में हूँ, तो ये इंडिया में यहाँ पे आप इस तरह के लोकेशन लगा सकते हो। और यहाँ पे आप अपना जो प्लेलिस्ट होता है, प्लेलिस्ट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपको बता दूँ ये जो प्लेलिस्ट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वीडियो को व्यूज सबसे ज़्यादा लाने के लिए। तो आई होप कि मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने वीडियो में हमेशा प्लेलिस्ट का यूज करो। तो चलिए ये थी, आपको आपका करना क्या है कि आप जब भी वीडियो अपलोड करो यहाँ पे आपको सेट विजिबिलिटी में यहाँ पे अनलिस्ट हमेशा करके ही वीडियो अपलोड करो, क्योंकि मैं अभी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और ये सेटिंग थी जो कि आपको करनी है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही टाइप करोगे वीडियो अपलोड स्टार्ट होनी हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप जब भी वीडियो अपलोड करो तो आप कौन सी सेटिंग कैसे कर सकते हो।